हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप ये जो केक देख रहे हैं, इस केक को मैं सिर्फ बिस्किट और कुछ चॉकलेट से बनाई हूँ। ये केक जितना दिखने में सुंदर लग रहा है, उतना खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बिस्किट ले लिए हैं और एक इनो का पैकेट भी ले लिया है और कुछ चॉकलेट भी ले लिए हैं। तो अब हमें इन सारे बिस्किट को एक मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लेना है। तो मैंने सारे बिस्किट को अच्छे से पीस लिया है और एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब हमें चाहिए एक गिलास दूध और इसका बना लेना है पेस्ट। तो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा ही होना चाहिए पेस्ट, जैसा कि मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दें, एक दो चम्मच। अगर चीनी ना पसंद हो ज़्यादा मीठा तो आप ना भी डालें। एक पैकेट इनो जो मैंने लिया था उसे भी इसमें डाल दें और इसे अच्छे से मिला लें। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा पतला नहीं किया है मैंने, गाढ़ा ही है ये। अगर ज़्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा दूध और मिला लें। बिल्कुल ऐसा ही आप पेस्ट बना लें बिल्कुल। तो अब हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। ये नमक मैंने पहले भी यूज कर लिया है। तो अब इसे चारों तरफ फैला लें। फैला लेने के बाद इसे किसी बर्तन से ढक दें 5 मिनट के लिए और इसे गर्म होने दें। तो एक बर्तन ले लें जिसमें हमें केक बनाना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें। अब पूरा अच्छे से इसमें ऑयल लगा लेना है और एक सादा पेपर ले लें और इसमें अंदर रख दें और ऊपर से इसमें और भी ऑयल लगा लें ताकि केक हमारा अच्छे से चिपके नहीं और अच्छे से निकल जाए। तो अब हम जो पेस्ट बनाए थे इसमें डाल देना है उस पेस्ट को। डालने के बाद इसे अच्छे से सेट करने के लिए इसे थोड़ा हिला लें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो जो नमक हमने गरम कर लिया उसमें के स्टैंड रख दिए हैं हमने और उस पर रख दिए हैं केक वाला बर्तन। अब इसे ढक कर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। और ये जो बिस्किट का फाइन पाउडर बना थे उसे हमने ले लिया है और इसमें दूध से इसका आटे जैसा डो बना लेंगे इसको, जिससे कि डेकोरेशन में इसका गुलाब बनाएंगे। तो अब ये हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम चॉकलेट को ले लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पिघला लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेना है। तो ये ऐसा लिक्विड टाइप का बन जाता है। तो अब हम अपना डो ले लेंगे और उसमें छोटे छोटे लोइयां करके उसका छोटा छोटा पेड़े बना लेंगे, जिससे कि मैं गुलाब बनाऊंगी। तो इसको ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना लें और इसे एक लाइन में सजा लें। इसे ध्यान से देखें फ्रेंड्स, इसको एक पर एक करके रखना है। इसको 4-5 पेड़े एक साथ बनाकर एक पर एक करके रख ले एक लाइन से। अब इसे अपने उंगलियों की सहायता से इसे रोल बना लें। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे गुलाब बन जाता है। अब इसे हम रख कर एक चाकू की हेल्प से इसे बीच से काट लेंगे। तो ये हमारा दो सुंदर सा गुलाब बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा गुलाब बन गया है ये। तो अब हम अपना केक चेक कर लेंगे। तो हमारा केक भी बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से ये पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब जो हम चॉकलेट का लिक्विड बनाए थे उसे हम केक पर लगा लेंगे अच्छे से। तो अब हम जो गुलाब बनाए थे उससे और कुछ चॉकलेट से इसे अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। तो ये हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो अब हम केक को काट कर कर दिखला रहे हैं आपको। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खाने में भी टेस्टी लगता है ये, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।